दहशतगर्दी और तहरीरकारी के लिए क्या किया है। टारगेट एज मिशन पर भारत, भारत के एक सख्त कदम से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों में जबरदस्त खलबली मच गई है। पाकिस्तान की सरकार के पसीने छूट रहे हैं तो वहीं आईएसआई के हाथ पांव फूल गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने लश्करे तैयबा से जुड़ा एक ऐसा कदम उठा दिया है कि मारे डर कर लश्करे तैयबा के चीफ हाफिज सईद को जेल के अंदर ट्रिपल सुरक्षा दी जाने लगी है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि 75 साल के आतंकी हाफिज सईद का तुरंत प्रत्यर्पण करो और उसे भारत को सौंपो। भारत के हवाले करो आतंकी हाफिज सईद। पिछले 20 से ज्यादा सालों से लश्करे तैयबा भारत के खिलाफ जिहाद कर रहा है। कश्मीर से लेकर मुंबई तक आतंकी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्करे तैयबा ने सैकड़ों लोगों का खून भारत में बहाया है। पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई की शह पर भारत पर हमले करवाने वाला हाफिज सईद साल 2019 से पाकिस्तान की एक जेल में बंद है। लेकिन अब सवाल उठता है, पाकिस्तान से हाफिज सईद को भारत कैसे अपनी गिरफ्त में लेगा। आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के संस्थापक और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत को सौंपने की मांग की है, लेकिन अब तक इस मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत के हवाले करो आतंकी हाफिज सईद। पाकिस्तान में भारत का टारगेट एच आखिर है क्या, इसे समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इसे समझाते हैं अब आपको बहुत तफसील से। दरअसल पाकिस्तान में लश्करे तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का कनेक्शन इससे है। किस तरह से 75 साल का जो ये आतंकी हाफिज सईद है वो भारत को सौंपा जाएगा, लाया जाएगा, ये एक लंबा प्रोसेस जरूर होता है। लेकिन इस बीच आतंकी हाफिज सईद ने मुंबई में 26/11 का जो हमला किया था वो उसका मास्टरमाइंड निकला था, और इस हमलों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश हाफिज सईद के जरिए रची गई थी। इस हमले में भारत समेत अमेरिका के नागरिक जो हैं वो मारे गए थे, जान उन्हें गंवानी पड़ी थी, और हाफिज सईद को इस हमले का मास्टरमाइंड यहां पर माना जाता है। 14 फरवरी साल 2019 को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि पुलवामा हमला हुआ और इसका मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद यहां पर निकला, और ऐसे कई आतंकी वारदातों का यह मास्टरमाइंड है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले सामने आते रहे हैं उसमें भी कई बार या फिर यूं कहिए ज्यादातर जो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया वो हाफिज सईद आया, वो खौफनाक। सुन लो मेरे भाई, हम ये कहने आए हैं कि इंशाल्लाह ये नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये अल्लाह के बंदे ये काम नहीं होने देंगे। हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो अमेरिका के आतंकी लिस्ट में भी शामिल है। मुंबई आतंकी हमले के आरोप में अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। हाफिज आतंकियों का ऐसा सरगना है जिसने जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करवाए। भारत लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की अपील करता रहा है और सईद के भारत प्रत्यर्पण की मांग भी उठती रही है। हाफिज सईद को पिछले दशक में कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई हमलों के अलावा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही था। जब से भारत सरकार ने पाकिस्तान से हाफिज सईद को भारत को सौंपने की मांग की है तब से लश्करे तैयबा में खलबली मची हुई है। दरअसल हाफिज सईद पाकिस्तान की एक जेल में बंद है, लेकिन कुछ सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने उसे एक खुफिया ठिकाने में नजरबंद करके रखा है। आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। साल 2008 में मुंबई में 10 आतंकियों ने भारी तबाही मचाई थी। इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।
अमेरिका ने हाफिज पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। फिलहाल लश्करे तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित जमात उद दावा के कुछ आतंकियों के साथ 2019 से जेल में है। 14 फरवरी 2019 के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का काफिला जब पुलवामा पहुंचा, तभी एक कार ने काफिले की एक बस में टक्कर मार दी। उस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था। यह हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हाफिज सईद को पुलवामा हमले के कई मास्टरमाइंड्स में से एक माना जाता है। हम आपको आगे बताएंगे कि भारत ने हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए क्या मांग रखी है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 12 से ज्यादा खूंखार आतंकी संगठन हैं, जो लगातार अफगानिस्तान, भारत समेत कई पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है। आतंकियों की नर्सरी बन चुका पाकिस्तान जिहादियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां से भारत पर कई आतंकी हमले हो चुके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 में से कितने पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस वक्त भारत पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में खलबली मची हुई है। जरा देखिए इस वक्त पाकिस्तान में हाफिज सईद की खबर को लेकर क्या गदर मचा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अभी ना तो भारत की इस मांग की पुष्टि की है और ना ही उसका खंडन किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। एक अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि हाफिज सईद कश्मीर घाटी में भारत विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में भी लिप्त रहा है। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक एक लेटर ऑफ रोटेटरी है जिसका पाकिस्तानी एजेंसियों ने जवाब नहीं दिया है। हम पाकिस्तान के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर से कार्रवाई करेंगे। सूत्रों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की किसी भी संभावना से पहले पाकिस्तान को आतंकी सईद के प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करना होगा। इधर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है। आतंकी हाफिज सईद के एक नई राजनीतिक मोर्चे ने 8 फरवरी के आम चुनावों के लिए पाकिस्तान भर में अधिकांश राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ग्लोबल आतंकवादी लश्करे तैयबा का चीफ हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने लाहौर की सीट नंबर NA-122 से नामांकन पत्र भी भर दिया है। अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान इस दौरान आतंकी हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंपता, तो फिर भारत अगला कदम क्या उठाता है।